बहराइच में स्कूलों में कार्यरत रसोईया महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया है। महिलाओं का आरोप है कि कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है। जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन स्कूलों से निकाला जा रहा है, यानी कि अभी बेरोजगार हो रही हैं। शिक्षा विभाग लगातार उपेक्षा उनकी कर रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। पहली बात, हम लोग जो मानदेय भी टाइम से कभी मिलता है। दूसरा है, हम लोगों का जो 20 सत्र में नवीनीकरण करने का प्रावधान किया गया है, तो सरकार के पर्पज से जब हम लोगों को हमेशा जून में छुट्टियां होती थी, मई में विज्ञप्ति निकलती थी, फार्म पड़ते थे, लेकिन इस बार तो कंपोजिट विद्यालय होने के कारण हम लोगों का जहाँ पे बच्चे कम हैं वहाँ पे हम लोगों को निकाला जा रहा है। अब बच्चे कम होने की जिम्मेदारी हम रसोइयों की ही क्यों है, क्योंकि उसमें सारा विभाग जिम्मेदार है। हम लोगों ने 5 सूत्री मांगे हैं, तो हम लोगों को इस अगर इस जल्दी से जल्दी इन लोगों को समस्या निस्तारण नहीं किया जाएगा।